प्रदेश के कानपुर नगर में सेंट्रल बैंक शाखा चौबेपुर में जहां बैंक बड़े बड़े वादे करती है ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखने की, वहीं आज बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से किसी बुजुर्ग की काली कमाई किसी और को ट्रांसफर कर दी गई। बैंक मैनेजर से जब बुजुर्ग व्यक्ति ने बात की तो गोल मोल घुमा दिया गया। अब देखना यह है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को अपना धन वापस मिलता भी है या नहीं, या यूं ही बैंक के आला अधिकारी अपने कान में तेल डालकर सोते रहेंगे। यूपी सरकार में बैंक सुरक्षित धन के दावे के साथ कर रही है खिलवाड़। कानपुर की सेंट्रल बैंक शाखा चौबेपुर गबन पे गबन किए जा रही है। शायद बैंक अधिकारियों को यह पहले से ही पता था कि इनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। मामला तब सामने आया जब बुजुर्ग व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि हमारी पूरी जीवन काल की गाढ़ी कमाई बैंक के अधिकारियों ने अपने किसी चहेते को ट्रांसफर कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि खाताधारक के पास पूरी चेकबुक सुरक्षित है और उसके खाते से चेक द्वारा गलत तरीके से हस्ताक्षर बनाकर पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। मजे की बात यह है कि पैसा एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग चेक नंबरों से निकाला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बैंक अपने खाताधारक लक्ष्मीचंद्र गुप्ता जी पर काफी समय से निगाह लगाए बैठी थी। जैसे ही मौका मिला खाते से रुपये उड़ा दिया गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने जब बैंक मैनेजर पंकज रावत से बात की तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों का नंबर देने की बात कहकर बुजुर्ग को टरका दिया और न ही नंबर दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुजुर्ग के घर के में दैविक आपदा आ पड़ी है। पुत्र की आंखों का ऑपरेशन कराना है जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आना है। डॉक्टरों की पैनल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कार्निया के पीछे ब्लड जम गया है। अगर वक्त रहते ऑपरेशन ना कराया गया तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब इस स्थिति में यह देखना है कि सरकार के मताहत बैंक व लोकपाल इस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या मदद करते हैं। क्या बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पैसे के लिए सिर्फ कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या मदद के लिए कोई सामने आएगा? आप जानना चाहेंगे आपका परिचय जो है गुप्ता जी से क्या है? ये हमारे चाचा है, ये हमारा चचेरा भाई है और इनके पैसे निकले हुए तकरीबन 45 दिन हो गए और आज तक कहलाया जा रहा है हम लोगों के पास जो थोड़ा बहुत था वो हम लोगों ने सहयोग किया। अब इनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ये बेचारे कहाँ जाए कैसे इलाज कराए। बैंक ने आपको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया? नहीं, बैंक केवल गोलमोल घुमाती है और हमें तो इसमें बैंक मैनेजर की और उनके जो सहयोगी हैं उनकी पूरी संलिप्तता प्रतीत होती है। अच्छा, बैंक मैनेजर का कुछ नाम बता पाएंगे जिसने आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश की जैसे कि आप बता रहे थे? हाँ, उनका नाम पंकज करके है कुछ है। पंकज रावत आप शायद? पंकज रावत है। अच्छा, पंकज रावत जी हैं। पंकज रावत है। आपका जो अकाउंट है ये सेंट्रल बैंक चौबेपुर में? हाँ जी। काफी समय से चल रहा है ये बाबूजी का अकाउंट? बहुत समय से है, काफी पुराना अकाउंट है। इन्होंने कोई सही जवाब नहीं दे पाया आपको? पंकज रावत जी सही जवाब नहीं दिया। उनकी सहयोगी प्रियंका जी हैं और विजय जी हैं, ये सब लोग भी उसी तरीके से बस केवल गोलमोल घुमा देते हैं, कोई बात नहीं करते। यहाँ तक कि एप्लीकेशन की जो कंप्लेंट नंबर होता वो भी नहीं दिया। गुप्ता जी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो अपना पैसा बैंक से गायब हुआ इसका एहसास आपको कब हुआ? ये जब हम अस्पताल गए, बेटे का इलाज हुआ, हाथ में लगा, उसके बाद पैसे की हमें आवश्यकता पड़ी तो 15-16 तारीख को बैंक गए, वहाँ मेरे खाते में पैसे ही गायब हुए। तो मैंने एक बैंक मैनेजर से कहा कि मेरे खाते में इतना पैसा था, पैसा कहाँ गया? तब उन्होंने बताया। अच्छा, बैंक मैनेजर से आपने जो बातचीत की उन्होंने कोई सही जवाब आपको नहीं दिया कि आपका पैसा कहाँ गया, कब तक आ पाएगा, इसके विषय में कोई भी जानकारी उन्होंने सही ढंग से दे नहीं पाया आपको, यानी कि पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए आपको? जी हाँ, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। और एक एप्लीकेशन कहन लिखो, हमने एप्लीकेशन लिख के दी और ये कहन 8-10 दिन में पैसा आपका आ जाएगा। 8-10 दिन बाद फिर पहुंचे तो फिर मुझे गोल जवाब। अच्छा, बैंक मैनेजर के जो उच्च अधिकारी थे शायद उनसे तो आपने बातचीत की होगी, उन्होंने बैंक वालों ने कुछ बताया होगा कि हमारे उच्च अधिकारी आ रहे हैं आपकी समस्या का समाधान करेंगे, उन्होंने कोई जवाब आपको सही दे पाया? नहीं नहीं, वो भी यही कह रही है 8-10 दिन आप रुकिए, घबराइए नहीं, पैसा आपका आ जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं और हमें इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। क्या आपको लग रहा है कि बैंक आपका पैसा आपको वापस कर पाएगी, आपको कोर्ट को शरण लेनी पड़ेगी? नहीं, हमें कोर्ट की शरण लेने पड़ेगी। हमें जब रोज गोलमाल बात बता रहे हैं तो हम कैसे यकीन करें,
अपने आत्मा को कैसे